हेलो, नमस्कार। शर्मा नर्सरी में आपका सभी का स्वागत है। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त विष्णु। आज हम लोग जानेंगे बोगनविलिया प्लांट को हम कैसे स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया जाए। फुल अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो एंड तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ लिया 4 इंच का पॉट लिया है और उस पर न्यूज़पेपर से उसको ढक दिया है। आप कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पॉटिंग मिक्स के लिए 3 चीज़ लिया है। एक हो गया वर्मी कंपोस्ट, एक हो गया राइस हल्क और एक हो गया नीम खली। आप अगर चाहे तो उसमें ओनली सैंड, रिवर सैंड जो है उससे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ राइस हल्क, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट तीनों का मिक्सर जो है मैंने लिया है। हमें कटिंग से प्रोपोगेट करने के लिए हमें 6 से 8 इंच का कटिंग लेना बहुत ज़रूरी है और उसको जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वैसे आप उसको होल करके उसमें डाल देंगे। आप जो भी पॉटिंग लेना चाहते हैं उसमें आप डाल देंगे। जैसे आप सैंड भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद उसको हल्का हल्का उसको प्रेस कर देंगे ताकि वो हिले ना। दोस्तों हमें कटिंग लगा दिया है, अब हम लोग पानी देंगे। तो पानी देखिएगा वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पानी देने के साथ साथ ही देखिएगा नीचे से वो वेल ड्रेन हो गया, वो पानी को नीचे निकाल दिया। तो वैसे ही आपको पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है। सैंड यूज़ करेंगे या फिर मैंने जैसा आपको बोला वही यूज़ करेंगे। दोस्तों आफ्टर 7 डेज आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे पत्ती उसमें निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सनलाइट के बारे में, इसको आपको कहाँ रखना है। दोस्तों इस प्लांट को जो कटिंग है आपको रखना है कोई भी सैडी प्लेस में रखना है जहाँ सेड हो, और या फिर कोई भी इनडायरेक्ट लाइट में आप इसको रख सकते हैं। इंडोर नहीं रखना है दोस्तों, इसको रखना है इनडायरेक्ट सनलाइट में या फिर कोई भी ऐसे पेड़ की छाँव के अंदर आप उसको रख सकते हैं। अगर इसका प्रोपोगेशन का अगर बात करें कि इसका टाइमिंग जो है कब आप कर सकते हैं, तो उसका बेस्ट टाइम जो होता है रेनी सीजन में होता है। अगर आप चाहें तो उसको फरवरी से लेकर अक्टूबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो फास्ट रिजल्ट जो आपको देगा वो देगा रेनी सीजन में दोस्तों। आफ्टर 21 डेज देखिएगा दोस्तों कि उसमें पत्तियां जो है बड़ी बड़ी हो गई हैं और बहुत सुंदर पत्तियां दिखने को आ रही है। और आप देखिएगा कि फाइनल रिजल्ट देखिए कि बहुत सुंदर सा रूट निकल के आई है। मैंने दोस्तों ये 21 डेज में निकाल दिया। आप चाहे तो उसको और 15 से 20 दिन रख सकते हैं। जितना दिन रखेंगे उतने ही रूट्स आपके बुशी होंगे और बहुत सारे रूट्स निकल के आएंगे दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है बोगनविलिया प्लांट के बारे में, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और एंड तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।